एक शेरेटोरी नाम का अनाथ लड़का एक दुकान में काम करता था। जब वो 21 साल का हुआ उसके 3 बच्चे हो गए तो थोड़े पैसे कमाने के लिए वो मछुआरा बन गया, पर वहाँ जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल थी। वहाँ उसे जुए की लत लग गई जिससे वो कर्ज में डूब गया। कर्जा उतारने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया, पर एक दिन एक टकेजो नाम का आदमी उनके पीछे पड़ गया। शेरेटोरी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे ऊपर पहुंचा दिया। दोनों वहां से भाग गए, पर शेरेटोरी का दोस्त पकड़ा गया और उसने शेरेटोरी के बारे में पुलिस को बता दिया। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। वो उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई करते थे। एक दिन जब पुलिस वाले उसके कमरे में आए वहाँ कोई भी नहीं था। दरअसल जिस बाल्टी से शेरेटोरी नहाता था उससे उसने एक चाबी बनाई और जेल से भाग गया। कुछ दिन तो वो जंगल में रहा, पर फिर वो खाना चुराने शहर में गया और पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इस बार उसे ऐसी जेल में डाला गया जहां से निकलना नामुमकिन था, पर फिर भी शेरेटोरी वहां से भाग गया। दरअसल वो दीवार पे पैर जमाकर खिड़की तक पहुंच गया। जेल की खिड़की लकड़ी की बनी हुई थी और शेरेटोरी रोज उसे थोड़ा थोड़ा मोड़ता रहता था। और एक दिन वो वहां से रफू चक्कर हो गया, पर कुछ दिन बाद वो दोबारा पकड़ा गया। इस बार उसके हाथों में लोहे की भारी हथकड़ियां बांध दी गई। वो खाना भी नहीं खा पाता था, पर वो फिर से भाग गया। उसकी हथकड़ियों पे नमक लगा हुआ था। दरअसल वो थोड़ी सी सब्जी अपनी हथकड़ियों और दरवाजे पे डाल देता था। सब्जी के नमक की वजह से हथकड़ियां और दरवाजा सड़ गए।